हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हम आए हैं दीपदान करने त्रिवेणी घाट से। कैसी बैठी हैं हमारी मिसेज अनीता जी? ओके, यहाँ पे दो बच्चे आए हैं दोस्तों। देखिए, ये चाह रहे हैं कि हम मछलियों के लिए, मछलियों को जो गोलियाँ दी जाती हैं वो दी उनसे लें। हम तो पहले ही घर से लेके आए हैं दोस्तों, तो आप देखते हैं क्या होता है कि दोस्तों इनसे मछलियों के लिए ले जाते हैं नहीं। देखिए दोस्तों, घी में घर से लाई थी गाय का। अब मेरे पति कर रहे उसको लतर पतर हाथ से। बाटिया मैंने घर से ही बनाई थी दोस्तों, घर से बना के लाई थी मैं। 365 बाटिया अलग मत करना उन्हें, देखो कट्ठे तो कट्ठे रखना है उनसे। देखिए दोस्तों, मैंने घर से बनाई थी कल रात। अरे मेरे पति तो मुझे लग रहा कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। हाँ ऐसी पतली है ना, निकल रही है आज से। सरदारों से निवेदन है कि पटक टीम में जो है मैटिंग वाली, वो मात्र उन सरदारों के लिए है जिन्होंने आज ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सबके सारे बहुत भीड़ है। श्रद्धालुओं की दिए जला रहे हैं, शाम के समय बहुत दिए जले हुए हैं। यहाँ पे कुछ जल चुके हैं, भीड़ की भीड़ है। बहुत ही आनंद आ रहा है यहाँ पर। ये देखिए श्रद्धालुओं की अति भीड़ है। ये देखिए दोस्तों, कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत ही आनंद आता है दोस्तों यहाँ पर। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। ये देखिए दोस्तों कितना प्यारा है ना। आरती का समय भी होने वाला है दोस्तों, तो आरती मैं तो आज नहीं रुकूंगी क्योंकि मुझे घर पर काम है, तो मैं दूसरे दिन आऊँगी आपको आरती पे लेके। ये कितना सुंदर लग रहा है ना। हम आ गए घर, घर पहुंच चुके हैं। अंधेरा हो गया था काफ़ी, हम सब्जी भी लेने चले गए। सब्जी भी ले आए, हमें बताते हैं आपकी क्या कह रहे हैं, ठीक है? ये दोस्तों जो सबसे मेन काम है, ये ले आए हम गंगा जल भर के। आज एकादशी का दिन था, बहुत अच्छा दिन था, तो ये ले आए हैं। हमारा सारा यूज हो जाता है सिर्फ ठाकुर जी को नहलाने में। अब ये तो मेरा अटरम पटरम है, घी वगैरह ले गई थी जो, इसमें है हरा धनिया, अभी खेत में नहीं हुआ ना। देखिए दोस्तों, ये मैं ले आई मशरूम, 3 पैकेट लाए हैं। उसने बोला 50 के 3 हैं, मैंने कहा चलो दे दो। ये हम लाए हैं दोस्तों मिर्ची, सोच रही हूँ मैं इनकी पकौड़ी बनाऊँ, पकौड़ी के लिए लाई हूँ। ये हैं दोस्तों हमारे पहाड़ी आलू, इतने टेस्टी, इतने लाजवाब होते हैं ना दोस्तों, क्या बताऊँ। इनका कलर ऐसा होता है, पहाड़ी आलू होते हैं, प्योर पहाड़ी होते हैं दोस्तों, मीठे बिल्कुल भी नहीं। देखिए दोस्तों, आज मैं इसके बना रही हूँ, आपकी भाषा में इसको वो बोलते हैं, क्या बोलते होंगे, कचौड़ी, हमारी भाषा में इसे स्वाले बोलते हैं। आलू के बना रही हूँ मैं आज एकादशी है। ओके देखिए दोस्तों, ये बन चुके हैं मेरे आलू की कचौड़ी। आपकी भाषा में कचौड़ी बोलते हैं, हमारे यहाँ इन्हें स्वाले बोलते हैं। ये हैं वो जो मोटी वाली मिर्च मैंने आपको दिखाई थी, उसके पकौड़ी, ये देखो यम्मी यम्मी। ये इसके साथ मेरे हस्बैंड ने बनाई चटनी। ये है घी,
मेरी एक दोस्त पूछ रही थी, जो मैंने उड़द के पकोड़े भी बनाए थे ना उस दिन दाल वाले, कि वो खाते किसके साथ है ऐसा नहीं बताया, तो मैं दोस्त को बताना चाहती हूँ। हमारे यहाँ ना घी के साथ खाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कितना घी लेते हैं, कैसे खाते हैं, घी के साथ खाते हैं। ये लिया है मैंने कचौड़ी, और ये खाते इसके साथ इतना सारा घी, पतक गया गरम हो रहा ना, देखना घी के साथ खाते हैं। आप भी खाइए, गीला और पतड़ हो गया। ऐसे खाते हैं दोस्तों हमारे घर, हमारे यहाँ इन्हें कचौड़ी पकौड़ी को, जो उड़द दाल के पकौड़े होते हैं उन्हें भी ऐसे ही खाते हैं घी के साथ, खूब सारा घी लगा। आज का ब्लॉग दोस्तों यही एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।